किसी के साथ भी सात जन्मों का सफर शुरू करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, सात फेरे लेने से पहले अपने जीवन साथी को जरा जान लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्वालियर में जो हुआ वो किसी और के साथ हो। ग्वालियर का एक परिवार शादी के बाद थाने के चक्कर काट रहा है, जरा देखिए और सबक लीजिए। जेवर के साथ दुल्हन फरार, शादी, रिसेप्शन और साजिश। ग्वालियर के महिला थाने में रविवार को ब्रजेश नाम का यह शख्स यही फरियाद लेकर पहुंचा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही उसकी बीवी इसे धोखा देकर रफू चक्कर हो गई। इस मामले में फुल फिल्मी ड्रामा हुआ और पहली नजर में देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एक लड़की और उसका पूरा परिवार फुल प्लानिंग के साथ आया। पहले शादी की, फिर रिसेप्शन किया और उसके अगले ही दिन अपने सारे जेवर लेकर मायके चली गई। ब्रजेश का आरोप है कि उसने ममता चंदेल से शादी की, अच्छी तरह से रिसेप्शन भी हुआ, लेकिन अगली सुबह ममता के परिवार वाले आए और उसके परिवार वालों के साथ बदसलूकी करने लगे। थोड़ी ही देर बाद ममता के तेवर भी बदल गए, वो खुद तो गई ही, शादी के सारे जेवर भी अपने साथ लेकर चलती बनी। बारात लेके लौट के आया मैं, मेरे रिसेप्शन था 2 मई का, तो मेरी पत्नी कहने लगी मुझसे, कह रात में कहाँ थे तुम? मैंने कह दी ऐसी जगह हम रुके थे, तो उल्टा सीधा इंजाम लगाने के लिए। कहने लगी तो अपने पिताजी को फोन कर दिया ना रात में, भैया आके गाली गलौज करने लगा हमसे, मारपीट करने लगा मेरी, और सारा जेवरात था हमारा जो पहनाया था मौछाने वगैरह में, और नकदी रखी थी सारा चला गया, लड़की ले गई। शादी के चंद घंटों बाद ही दुल्हन के वापस लौटने से ब्रजेश और उसका पूरा परिवार सकते में है। इस घटना के बाद पूरी बारात थाने में धरना देने पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मामले की जांच का आश्वासन दिया और समझा बुझाकर वापस भेजा। हालांकि इस पूरी घटना को सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। लड़की के घर से, मतलब लड़की के ससुराल वाले हैं, वो आज आए, उन्होंने बदतमीजी की, मारपीट की, और इसका रीजन ये बताया है और साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि सामान वामान भी कुछ ले गए हैं और लड़की को भी साथ ले गए हैं। अभी उन्होंने आवेदन दिया है, उसको हमने ले लिया है, अब उस जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। पुलिस मामले की तहकीकात करने की बात कर रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ममता लूट के इरादे से ही दुल्हन बनी या फिर वाकई कोई ऐसा विवाद हुआ जिस वजह से उसे आनन फानन में ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन ब्रजेश और उसका परिवार खुशियों में सराबोर होने की बजाय थाने के चक्कर काट रहा है। जो भी हो, लेकिन ये मामला ऐसे लोगों के लिए सबक जरूर है जो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।